नमस्कार, मैं नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं क्या बिहार बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं ठीक चल रहा है। हाल ही में विजय उत्सव मनाया गया है, बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के अवसर पर एक भव्य आयोजन हुआ, बिहार में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, 75,000 से अधिक लोगों ने तिरंगा लहराया, बीजेपी की एकता दिखी, शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। आरा के जगदीशपुर में श्री जलेश गायसवाल हमारे साथ हैं। बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, विजय उत्सव तो हमने देखा लेकिन पर्दे के पीछे का खेल लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें जो है सामने निकल के आने लगी हैं। देखिए आलोक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीजेपी के भीतर कुछ खिस्तान तो चल रही है और वह बड़ा स्वरूप लेते हुए दिखाई पड़ रही है। यदि आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर जो लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर या दूसरे माध्यम में जो एक्टिव हैं, उन्हें समझ में आ रहा होगा कि एक नया विवाद बीजेपी के भीतर उत्तर दिख रहा है और इसे बोछा के परिणाम से भी जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि यदि यही रवैया रहा तो पहले भूमियार अब ब्राह्मण भी छिटकेंगे। हाँ, छिटकेंगे, क्योंकि सुशील मोदी तो कहा कि सवर्ण जातियों का एक वर्ग जो है वो खिसक गया। देखिए सुशील मोदी जी ने कहा कि सवर्ण जाति का एक वर्ग, मतलब निशाना भूमिहार की ओर था। देखिए अब जो बातें सोशल मीडिया पर वायरल है और इसके भीतर कुछ बात है भी, वह बात यह है कि बीजेपी के भीतर नीतीश मिश्रा, आपको मालूम है जगन्नाथ मिश्रा के बेटे, झंझारपुर से बीजेपी के MLA, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, मतलब बड़ी हस्ती है। तो जो चर्चाएं हैं और इसे न कोई स्वीकार रहा है न कोई इंकार रहा है, तो कहा यह जाता है कि यदि आप मौन हैं तो इसका मतलब कि आपकी स्वीकृति है। तो जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक नीतीश मिश्रा को बीजेपी के भीतर औकात बताई गई है। औकात बता दी गई, हाँ, खुले तौर पर कि तुम्हारी औकात क्या है, ठीक है ना, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखिए यह मसला कैसे उठा और इसे बोछा से कैसे जोड़ दिया जा रहा है। देखिए बोछा की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बोछा के जब हार के कारणों की समीक्षा हो रही है तो बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय के एक बयान की चर्चा ज्यादा ही हो रही है। विधानसभा के भीतर का बयान था जिसमें अमर पांडे का जिक्र आ गया था, अमर पांडे पुत्र रघुनाथ पांडे। रघुनाथ पांडे के बारे में आपको पता है कि मुजफ्फरपुर की बड़ी हस्ती रहे हैं, तो अमर पांडे से रिलेटेड, और कहा जा रहा है कि इस बयान के बाद वहां और भी भूमिहारों में नाराजगी बढ़ गई थी। खैर देखिए अभी जो ताजा प्रसंग है वो है नीतीश मिश्रा का। देखिए आपको मालूम है कि 23 अप्रैल को हिंदुस्तान ने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया कि सबसे अधिक तिरंगा फहराकर बिहार से। तो 23 अप्रैल को दुलारपुर वीर कुंवर सिंह का वहां विजय उत्सव मनाया जा रहा था तो अमित शाह आ रहे थे जगदीशपुर में एक बड़ी, हाँ, और आपको मालूम है कि बीजेपी में या देश में नंबर 2 है अमित शाह, बीजेपी के लिए कितने खास है इस बात को भी आप समझते हैं। तो तैयारियों के लिए मीटिंग चल रही थी बीजेपी के पटना ऑफिस में, मतलब इन विजय उत्सव से ठीक पहले की, विजय उत्सव से ठीक पहले। और देखिए जो टास्क दिया जा रहा था, देखिए लीड कर रहे थे नित्यानंद राय, ठीक है, जो अमित शाह के MOS भी हैं, तो और जिन्हें कहा यह जाता है कि बिहार में जब बीजेपी की सरकार बनती है या बनेगी तो वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार नंबर 1 हैं। तो जब चर्चा हो रही थी तो एक टास्क दिया जा रहा था, चूंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना था, सब कुछ सुनिश्चित होना था, तो कहा यह गया कि जितने भी बीजेपी के विधायक हैं वे 1,000 लोगों को वहां लेकर पहुंचेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो इस जो चर्चा ये आगे बढ़ी तो कुछ विधायकों ने कुछ अलग राय दी, कुछ विधायकों ने कुछ अलग कहा, लेकिन नीतीश मिश्रा ने शायद खुलकर कहा कि देखिए यह जो टास्क दिया जा रहा है, अब आप पूर्णिया के विधायक को टास्क देंगे, आप मधुबनी के विधायक को टास्क देंगे, आप रक्सौल के विधायक को टास्क देंगे, मतलब उन जिलों में, तो वो दूरी बहुत दूर है और वहां से लोगों को 23 अप्रैल को वहां हाजिर कराने के लिए 22 अप्रैल को लाना होगा, लेकर चलना होगा, फिर 22 अप्रैल को रात्रि में रुकवाना होगा, फिर 23 अप्रैल, फिर ये तमाम सारी व्यवस्थाएं, तो ये टफ काम है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो स्थानीय इलाका है वहां से हम लोगों को, जो भाजपा के समर्थक है, बड़ी संख्या में समर्थक है, हम उन्हीं को इकट्ठा करते हैं और इसको हम लोग सफल करते हैं। तो इस बात पर बात और आगे बढ़ी कि जब आप 1,000 लोगों को लाने का जिम्मा दे रहे हैं तो इसका जो खर्च बैठेगा वो खर्च भी अधिक होगा, तो हम स्थानीय स्तर पर ही, तो यह भी बात हुई कि देखिए महाराणा प्रताप की, जब महाराणा अशोक की जब आप जयंती अभी मना रहे थे तो 2-2 बस का जिम्मा दिया गया था, तो कितने विधायकों ने लाया, तो मतलब सभी विधायकों ने नहीं लाया था 2-2 बस, तो क्यों ना हम ऐसा जिम्मा दें जिसे पूरा किया जा सके। तो कहा जाता है कि इसके पक्ष में विपक्ष में वहां कई लोग हो गए, जो संगठन प्रभारी है वहां भी मौजूद थे। इसके बाद मतलब मध्यान्ह भोजन के लिए
मतलब छुट्टी मिली, उस दौरान कुछ और बात हो गई। जो बात नित्यानंद राय ने क्या कही, नीतीश मिश्रा ने क्या सुना, लेकिन ये कहा गया, शायद सुनते हैं जो कहा जा रहा है। देखिए, मैंने कहा कि ना कोई स्वीकार रहे हैं ना कोई इनकार रहे हैं। नीतीश मिश्रा को किसी ने कहा, नाम हम नहीं बता रहे हैं अभी, मध्याह्न भोजन के दौरान कि आपकी औकात ही क्या है जो आप आदमी लाएंगे, तो यह बात नीतीश मिश्रा को लगा कि यह तो मेरा अपमान है, समझे ना। तो चलिए, बिजोत्सव मना और विश्व रिकॉर्ड भी बन गया, लेकिन अब ये बात सोशल मीडिया पर वायरल है। नीतीश मिश्रा जाति से ब्राह्मण है और देखिए सबन जातियों को लेकर फोकस और सबन जातियों को लेकर चिंता, क्योंकि जिस तरीके से बोछा में चुनाव परिणाम का नतीजा आया और कहा जा रहा है कि वहां मल्ला मुकेश सहनी के कारण बागी हो गए जो बीजेपी का आधारभूत, और भूमियार छिटक गए, सुशील कुमार मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी और यह गहन मंथन का विषय है। और यह कहा जा रहा है कि देखिए अब यदि नीतीश मिश्रा के साथ जो हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, सोशल मीडिया में वैसे ही लोग ज्यादा बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि यह ब्राह्मण को औकात दिखाने की बात हो रही है। ब्राह्मण भूमियार जो सबन जातियां हैं बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन यदि इस तरीके की बातें चलेगी तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। नुकसान हुआ ही, मैंने नीतीश मिश्रा से बात करने की कोशिश की लेकिन नीतीश मिश्रा ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। उन्होंने कहा कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वे कहें न कहें सोशल मीडिया पर यह रायता इतना अधिक फैल गया है और इसे ब्राह्मणों के अभिमान और स्वाभिमान से जोड़ा जा रहा है, जिसे बीजेपी को चिंतित होना पड़ेगा। चिंतित होना पड़ेगा क्योंकि सुशील मोदी ने हाल ही में कहा है कि सवर्ण जातियों का एक वर्ग खिसक गया है। हाँ, दूसरा वर्ग भी खिसकाने के चक्कर में है क्या, तैयारी? देखिए, सुशील कुमार मोदी ने तो यह भी कहा कि अत्यंत पिछड़ी जातियां, जब आप मल्लाह जाति की बात हो रही थी कि मुकेश सहनी भाई इतनी हड़बड़ी क्या थी कि आप ठीक चुनाव के पहले उन्हें आप मंत्री पद से छुट्टी करवा दिए और तमाम सारी चीजें हो गई। मुकेश सहनी ने भी ठान लिया कि हम बदला लेंगे और करीब 30,000 मत लाकर उन्होंने आपकी हार सुनिश्चित करा दी। बदला नहीं लिया? हाँ, बदला नहीं लिया, ठीक है। जो वहां जीत हार का जो फासला था वो 30,000 न भी होता तब भी आरजेडी जीतता बोछा में। तो ये जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, और देखिए आप देख रहे होंगे कि आगामी 3 मई को परशुराम जयंती का आयोजन भी बहुत भव्य तरीके से करने की तैयारी भूमिहार लोग कर रहे हैं। पटना के बापू सभागार में भी आयोजन होना है और कई जगह आयोजन हो रहे हैं, आरजेडी में भी होना है। हाँ, वहां कहां कहां शिरकत हो रही है। आरजेडी तो कह ही रहा है कि अब भूमाई समीकरण, ठीक है ना। देखिए, अब यह भी चलने लगा है कि बीजेपी भू जपा हो गया है, ठीक है ना। अब भू जपा को कभी डिगोड हम लोग बाद में करेंगे कि भू जपा क्या है, ठीक है ना। भूमाई इधर, भू जपा उधर। तो ये देखिए बीजेपी को सोचना होगा कि जो बातें, देखिए सोशल मीडिया के लिए बीजेपी जानी जाती है और सोशल मीडिया में अभी जो हवा और बयार है वह बीजेपी के खिलाफ चल रही है। महंगाई का मुद्दा अलग, रोजगार का मुद्दा अलग, वो तो अलग, लेकिन सामाजिक समीकरणों को लेकर भी वो भी ऐसे लोग जो कोर वोटर है, जी कोर वोटर है, जो आपके कोर वोटर है, अगर वही नाराज हो रहे हैं, खिसक रहे हैं, जैसा कि एनडीए के नेता भी कर रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी कर रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। और अगर ऐसे ही व्यवस्थाएं बनी रही, ऐसा ही नेचर बना रहा, दो फाड़ वाली राजनीति होती रही, विचारधारा वाली, तो कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा विपक्ष को। विपक्ष देखिए चुनाव के वक्त, उस वक्त तक हम कर, अगर ऐसा ही हाल रहा तो कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नहीं, विपक्ष को तो हमेशा मेहनत करने की जरूरत होती है। और यह भी याद रखना होगा कि मौके पर तेजस्वी यादव बिहार से गायब हो जाते हैं। चलिए, ये भी देखना होगा। तो बहरहाल देखना यह है कि आने वाले समय में बीजेपी अपने अंदर की जो सिस्टम्स है उसमें कैसे सुधार लाती है, जो आपसी मनमुटाव है उसे कैसे दूर करती है, ताकि आगामी समय में इसका दुष्परिणाम न देखने को मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद।